दोस्तों, एक और नया वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से मटन मजबूस बनता है। अरब का जो है बेसिकली अच्छा डिश है, जो आप देख सकते हैं कि मटन मजबूस किस तरीके से बनाना है। यहाँ पर जो है फुटेज जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मटन मजबूस बनाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। यहाँ पर डाकूस कैसे बनाना है, हासू कैसे बनाना है, राइस कैसे कुक करना है और मटन कितना कितना घंटा बॉईल करना है, इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको हम आपको बताएंगे। सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर मटन बॉईल करने के लिए। ये मसाले जो हैं, सारे जो स्पाइसेस हैं, ये मटन बॉईल करने के लिए हैं। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ब्लैक पेपर, ये करी पाउडर, ये अजीनोमोटो और ये जो मतलब कि देख सकते हैं कि करी, जीरा और जो है खड़े मसाले, उसके बाद ये दालचीनी और ये सॉल्ट, कैरोट, उसके बाद ऑनियन, यहाँ पर सॉल्ट और ये ऑनियन, उसके बाद जिंजर गार्लिक जो है चॉप किया हुआ है। ये सब जो है दोस्तों आपको मटन बॉईल करने के लिए डालना पड़ता है। बॉईल करने के लिए मतलब कि आपको मटन को डाल के, पानी डाल के, मतलब कि आपको उस हिसाब से कितना वो रखना है, उसमें आप जो है ये सारे मसाले और जितने भी चॉप आपके पास जो आइटम हैं सब आपको डालने हैं। इसके बाद जो है ढाई घंटा करीब, ढाई या तीन घंटा करीब आपको मटन को बॉईल करना है, अनटिल जब तक सॉफ्ट हो जाए, मतलब कि मटन जो है एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो मतलब देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे मसाले जितने भी दिखाए थे आपको, ये सब सारे डालने हैं आपको मटन बॉईल करते समय। तो उसके बाद दो ढाई घंटे तक करीब तक आपको इसको बॉईल करना है। देख सकते हैं यहाँ पर बॉईल करने के लिए पूरा गैस पूरा हमारा ओपन रेडी है, तो मतलब बॉईल हो गया है। हमने ढाई तीन घंटा इसको बॉईल करने के बाद देख सकते हैं कि ये पूरा मटन एकदम सॉफ्ट हो गया है। अब निकाल दिए, इसको निकालने के बाद जो है यहाँ पर जो है सैफ्रन कलर लगाएंगे। दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बॉयल मटन था इसको जो है मतलब देख सकते हैं कि यहाँ पर कलरिंग करेंगे। जो सैफ्रन कलर है आपको भी इस तरीके से कलर करना है, मतलब दूसरा स्टेप है। आप ओवन में भी लगा सकते हैं, ओवन में भी ग्रिल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर फ्राई करेंगे इसको। देख सकते हैं कि यहाँ पर मटन बॉयल करके निकालने के बाद जो है इसको जो है कलर किया है, सैफ्रन कलर किया, उसके बाद जो है ये रेडी है अब फ्राई करने के लिए। जो मतलब मटन का स्टेप जो है ख़त्म हो जाता है यहाँ पर फ्राई करने के बाद। जो है अगला स्टेप जो है आपको बताएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये मटन पूरा हमने फ्राई किया, मतलब फ्राई करने के बाद जो है इस तरीके से, मतलब आपको एक तरफ आंसू रखना है और एक तरफ जो है राइस, और मतलब कलर किया हुआ राइस, वो भी सैफ्रन कलर से ही। उसके बाद जो है अब राइस में आते हैं। यहाँ पर हमने राइस लिया है दोस्तों, आप अपने हिसाब से एक दो कप या एक दो किलो ले सकते हैं। हमारे यहाँ क्वांटिटी जो है बहुत ज़्यादा है, जो देख सकते हैं कि यहाँ पर अब इसको भिगाएंगे एक तरफ, मतलब भिगाने का आप दो घंटा ढाई घंटा मतलब राइस को भिगा सकते हैं या ज़्यादा भी भिगा सकते हैं, चार घंटा भी भिगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो है इसको हमने भिगा दिया मतलब करीब ढाई घंटा से ऊपर। उसके बाद जो है यहाँ देख सकते हैं कि अब इसको कुक करना है दोस्तों, जो मतलब कि देख सकते हैं यहाँ पर ऑयल डाल के फिर जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है यहाँ पर करीब मतलब तीन चार टेबल स्पून बोलिए आप या सर्विस स्पून बोलिए, मतलब कि ये जो मतलब कि राइस अच्छा बनेगा, मतलब कि ये जो जिंजर गार्लिक के पेस्ट में मतलब कि जो राइस पकाएंगे, क्योंकि राइस का क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है। हल्का ब्राउन करने के बाद जो है अब इसमें पानी का, जो मटन का स्टॉक, जो पानी का, पानी जो छाना था मतलब कि मटन निकालने के बाद बॉईल करने के बाद, उस पानी में राइस को पकाना है। यहाँ देख सकते हैं कि मतलब राइस का पानी जो है इसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर राइस जो है पकेगा आपके सामने ही, देख सकते हैं कि यहाँ पर ये छान लिया है उधर से राइस जो है, मतलब जो भिगाया था, जो देख सकते हैं कि यहाँ पर अब इसमें आपको कुक करना है, मतलब अपने हिसाब से। मतलब ज़्यादातर कोई लोग बोलता है एक कप राइस है तो दो कप पानी डालना है, तो हम यहाँ अपने अंदाजे से करते हैं। जो चावल से ऊपर रहेगा, जो मतलब कि बॉईल करने के बाद जो है मतलब इसको देख सकते हैं कि मतलब लगभग राइस के ऊपर बराबर रह जाए, इतना रह जाए, मतलब कि 3/4 राइस आपका पका हुआ होना चाहिए। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 3/4 करीब पका हुआ है हमारा राइस, तो हमने कवर कर दिया था। देख सकते हैं अब यहाँ पर ये रेडी है हमारा, हमने कलर डाल दिया था सैफ्रन कलर एक साइड में, जो मतलब कि राइस में बाद में कलर करेंगे, जो साइड से निकाल के। जो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है राइस का भी स्टेप ख़त्म हो गया है। इसके बाद जो है देख सकते हैं ये सर्विंग करने के बाद हमारा ऐसा रहेगा, ये एकदम राइस खिला खुला बना हुआ है। इसके बाद जो है अगले स्टेप में जो है मतलब यहाँ पर जो है आपको दिखाएंगे, मतलब दोस्तों डाकूस है और बाकी बचा है हासू भी बचा है। तो मतलब अगले स्टेप में जो है देख सकते हैं इस तरीके से, मतलब कि आपको यहाँ मटन फ्राई वगैरह, ये देख सकते हैं ये डाकूस है। इसके बाद जो है ये स्टेप जो है आपको बीच बीच में फ़ोटो दिखा रहे हैं कि ताकि आपको समझ में आए, मतलब बनाना कैसे है, क्या क्या किस किस चीज़ का बनाना है, कैसे कैसे बनाना है, ये देख सकते हैं। अब चलते हैं डाकूस के लिए, जो मसाले हैं जो यहाँ पर
जो आपको स्टेप बाय स्टेप डाकूस कैसे बनाना है आपको इसमें बताएंगे। दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर यह इस तरीके से आपको डाकूस होने के बाद रेडी होता है, मतलब कि देख सकते हैं। अब चलते हैं जो है आपको डाकूस का मसाला क्या क्या लगने वाला है। यहाँ देख सकते हैं कि अब नेक्स्ट स्टेप में जो है मतलब कि टोमेटो जूस लेना है। देख सकते हैं यहाँ पर हमने करीब दो किलो टमाटर का जूस लिया है। ये गार्लिक चॉप है और टोमेटो पेस्ट है, दो पैकेट है। उसके बाद चिल्ली पाउडर है, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा हल्दी है, ये ब्लैक पेपर पाउडर है, ये करी पाउडर है, ये कुमिन पाउडर है और ब्लैक लेमन पाउडर है थोड़ा, ये डालेंगे यहाँ पर। उसके बाद जो है थोड़ा आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं सावर के लिए, नहीं तो टाटर सॉस अगर सावर सॉल्ट है तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद सॉल्ट अपने हिसाब से डालिए। थोड़ा यहाँ पर हम मैगी यूज़ करेंगे जो चिकन स्टॉक जो है बहुत अच्छा टेस्ट देता है। यहाँ देख सकते हैं कि अब सबसे अब फ्राई डाकूस के लिए जो है ऑयल में मतलब सबसे पहले आपको गार्लिक लेना है, जो करीब दो बल्ब गार्लिक को यहाँ पर चॉप किया गया है। चॉप करने के बाद देख सकते हैं ब्राउन होने के बाद जो है मतलब कि देख सकते हैं तेल में फ्राई करना है आपको भी इसी तरीके से। जो देख सकते हैं फ्राई हुआ ब्राउन जो हो गया, मतलब गार्लिक जो है ब्राउन हो गया। इसके बाद जो है मसाले जो है जो आपको पहले मसाले बताए थे, थोड़ा हल्दी डाला, फिर मिर्ची, फिर जो बाकी का जो बाकी का मसाला था, जो करी पाउडर जीरा पाउडर जो था, मतलब आपको मसाले डालने हैं जो आपको दिखाया था पहले। उसके बाद टोमेटो पेस्ट भी यहाँ पर डाल दिया दोस्तों। देख सकते हैं कि टोमेटो पेस्ट डालने के बाद इसका कलर अब ऑरेंज से रेड रेड हो गया, चेंज हो गया कलर। उसके बाद जो है अब जो पिसा हुआ टमाटर था, जो हमने 2 किलो करीब टमाटर का जूस जो बनाया था, मतलब कि उसको भी यहाँ मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब नमक वगैरह अपने हिसाब से डालिए, मतलब कि इसको गाढ़ा करेंगे। गाढ़ा मतलब इतना भी गाढ़ा नहीं, ठीक ठीक गाढ़ा, मतलब कि देख सकते हैं ये डाकूस जो बोलते हैं राइस के साथ सर्व कर किया जाता है यहाँ पर। तो देख सकते हैं कि डाकूस इस तरीके से आपको डाकूस बनाना है। तो अब अगले स्टेप में जो है डाकूस रेडी है। अब चलते हैं आंसू। आंसू के लिए यहाँ पर 8-10 टमाटर प्याज लिया है। प्याज मतलब कि बड़ा बड़ा चॉप करने के बाद जो है देख सकते हैं ये सारे मसाले डालेंगे। चना दाल बॉईल है और ये ऑनियन है, मतलब आप देख सकते हैं कि ऑनियन मतलब फ्राई करना है। ये मसाले हैं जो दालचीनी पाउडर है, ये इलायची छोटी इलायची पाउडर है, सॉल्ट है और ये ब्लैक लेमन पाउडर है, मतलब कि ये इसके मसाले हैं आंसू के। ये देख सकते हैं आपको प्याज को इस तरीके से भुनना है, मतलब हल्का हल्का बीच में पानी डालना है। पानी डाल के जितना जलेगा हल्का ऑनियन को ब्राउन और सॉफ्ट करना है, मतलब कि सॉफ्ट करते जाइए, मतलब इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि उसके बाद जो है आपको यहाँ पर बीच में भूनते जाना है। तो फिर आप इसमें ऐड ऑयल कीजिए, मतलब कि ऑयल डालिए और बीच में देख सकते जब करीब 60% ऑनियन पक जाएगा तो उसके बाद फिर जो है चना दाल डालना है। फिर जो मसाले जो आपको बताए थे दालचीनी और दालचीनी पाउडर और ब्लैक लेमन पाउडर और जो है इलायची पाउडर, नमक, ये अपने हिसाब से यहाँ पर डालिए। ये देख सकते हैं ये इलायची पाउडर है, मतलब कि फ्लेवर जो है इसका सावर ही होता है, मतलब कि जो ब्लैक लेमन पाउडर जो डाला है, मतलब कि ये आंसू में डाला जाता है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से आंसू भी बन जाता है दोस्तों। आपको इसी तरीके से आपको आंसू बनाना है दोस्तों। ये देख सकते हैं आंसू हमारा डन है। उसके बाद जो है बस ये मटन मजबूस जो है सर्व करने के लिए मतलब कि रेडी है। अभी यहाँ पर कुछ नीचे हल्का सा ड्राई जैसा हो गया तो थोड़ा मसाला ऐड करके, मतलब यहाँ पे थोड़ा और तेल और पानी ऐड कर दिया। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, मतलब कि कितना ज़्यादा ब्लैक भी नहीं करना है, गोल्डन गोल्डन ब्राउन कलर का आप करना है। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा एक कम्प्लीट आंसू भी दोस्तों रेडी है। इसके बाद जो है आप मटन में जो है मतलब कम्प्लीट इस तरीके से मटन मजबूस बना सकते हैं दोस्तों। इसमें स्टेप बाय स्टेप आपने देखा राइस, फिर डाकूस, फिर ये जो है लास्ट स्टेप जो है आंसू। तो इस तरीके से आप बनाइए, मतलब घर पर बनाइए और खाइए। ये ज़्यादातर गल्फ़ का डिश है दोस्तों। देख सकते हैं ये हमारा मजबूस जो है, ये पहले का चिकन मजबूस भी हमारे वीडियो में पहले भी बना हुआ है, ये मटन मजबूस है। तो वीडियो इस मतलब देख सकते हैं कि यहाँ पर मटन मजबूस हमने छोटा डिश में भी डाला, ये डाकूस हो गया कंप्लीट डिश जो इस तरीके से आप रेडी कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।